Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am teacher Fehmara. How are you, class 6? I hope that by the grace of God, you all will be perfectly fine. Now we start our lecture. So open your book of grammar free, page number 152. Chapter number 31, Punctuations. Lecture number 12, page number 152 and 153. Topic: punctuations, comma, full stop, capital letters and exercise A. Punctuation. Punctuation का मतलब है वक्फा, ठहराव. Punctuation किसी sentence में वक्फा या ठहराव की मदद से अल्फाज को जाहिर करने में आसानी जाहिर करता है जो हम बोलते हैं. Punctuation sentence के मतलब को वाजिया तौर पर समझाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. Kinds of punctuations: the comma, the full stop, capital letters, the semicolon, the colon, the apostrophe. आमतौर पर पंक्चुएशन की जायद इकसाम है, लेकिन हमारे पास छः इकसाम है. हम छः को डिस्कस करेंगे. किसी सेंटेंस के मुकम्मल होने पर फुल स्टॉप लास्ट पर आता है, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब ये है कि इस बात का मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. फुल स्टॉप सेंटेंस के आखिर पर आता है. एग्जाम्पल देखें. आई हैव बॉट अ न्यू ड्रेस. मैंने एक नया लिबास खरीदा. अब यहाँ पे बात एक मुकम्मल हो रही है. जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद लास्ट पर फुल स्टॉप आएगा. इसी तरह से नेक्स्ट है आई फिनिश्ड दी बुक. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. पी एम एम में पी एच डी. थर्ड एग्जाम्पल में जिस तरह से पी एम के साथ फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है, ये तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ का नेम, किसी मखसूस चीज़ का नेम हम एब्रीवेशन में लिखते हैं, एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उस वक्त भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. दी कोमा. कोमा किसी सेंटेंस का छोटा हिस्सा होता है. छोटे वक्फे के लिए कोमे को इस्तेमाल किया जाता है. मतलब कि कोमे का ये है कि अगर किसी सेंटेंस में कोमा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, बात का बकिया हिस्सा आगे बाकी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखें. फॉर एग्जाम्पल्स दी गई हैं जिसमें कोमा डिफरेंट तरह से यूज़ हुआ है. फर्स्ट देखें. आई हैव बॉट कैरेट, लेमन, ऑनियन एंड कैबेज. गो होम ही सेड, जनवरी 15, 2021. यस आई फिनिश द बुक. अब यहाँ पे देखें कि चारों सेंटेंस में, चारों एग्जांपल्स में डिफरेंट तरह से कोमे का यूज़ किया गया है. फर्स्ट एग्जांपल में इसको यूज़ किया गया है जैसे मतलब कि लिस्ट बनाते हैं, सीरीज वगैरह, उस हिसाब से कोमा इस्तेमाल किया गया है. सेकंड एग्जांपल में कोमे को डायरेक्ट कोटेशन के हिसाब से यूज़ किया गया है. डायरेक्ट कोटेशन का मतलब है कोई रिक्वेस्ट करना या कोई ऑर्डर करना वगैरह. थर्ड एग्जांपल में डेट डे मेंशन करने के लिहाज से कोमे को यूज़ किया. और फोर्थ एग्जांपल में येस और नो का आंसर देकर नेक्स्ट सेंटेंस बोलने के हिसाब से कोमा यूज़ किया. जब किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन, मतलब ये किसी मखसूस चीज़, जगह या कोई पर्सन का नेम हो, तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं. जैसा कि पाकिस्तान का पी कैपिटल लेटर में होगा, प्रिंस का पी कैपिटल लेटर में होगा और हीरा का एच कैपिटल लेटर में होगा. इसके अलावा जब कोई सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं, तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है. और जब फुल स्टॉप पर वो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है और हम नया सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं, तो उस सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं. पेज नंबर 152 पर एक्सरसाइज ए देखें. स्टेटमेंट में यह बोला गया है कि ऑलरेडी आपको सेंटेंस दिया गया है, अब इसमें से पंक्चुएशन हमने करेक्ट करना है. फर्स्ट सेंटेंस देखें. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. अब यहाँ पे जैक और जिल जो है, ये दोनों पर्सन है ना, तो यहाँ पे जैक का जे भरा आएगा, मतलब कि कैपिटल लेटर में आएगा, और जिल का जे कैपिटल लेटर में आएगा. बाकी सारा सेंटेंस सेम यही रहेगा और लास्ट पर फुल स्टॉप लगा देंगे. मतलब ये कि हिल तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो हिल के लास्ट पे फुल स्टॉप लगा दें. इसी मेथड को मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइज ए बुक पर फिल करें. फिल करने के बाद डेट डे मेंशन करना नहीं भूलिएगा. कीज ऑफ एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए का सॉल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक. Take care. Allah Hafiz.